हेलो फूडी, स्वागत है आपका फूडी वी में। आज की तरह हम लेके आ गए कुछ नौका कुछ अद्भुत कुछ अविश्वसनीय। और इस भाई जो अविश्वसनीय चीजें हैं उसके लिए हम आए स्पेशली अमृतसर शहर में करने अपना ऑल टाइम फेवरेट 60 मिनट फूड चैलेंज। ये 60 मिनट फूड चैलेंज होने वाला है बहुत ही अनोखा, जिसमें होने वाले हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया ट्विस्ट। तो ट्विस्ट ये है कि एक बंदे को मिलेगा अच्छा खासा बजट, वाह, एक बंदे को मिलेगा ठीक ठाक बजट और एक को मिलेगा नो बजट। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, करते हैं वीडियो को शुरू। हमने डिसाइड किया है कि हम कुछ अनोखे तरीके से पता लगाएंगे कि किसका कितना बजट होगा, किसकी कौन सी बारी। भुक्ति की जो पीठ है ना वो डिसाइड करेगी कि किसको कौन सा बजट मिलेगा। अगर फिंगर नंबर 1 आई तो बजट होगा 0 रुपीज का, अगर उंगल नंबर 2 आई तो बजट होगा 50 रुपए का, और अगर तीसरी उंगल आई तो बजट होगा 500 रुपए का। तो मुक्ति जोर से मार थोड़ा। किसका किसका बजट है ये? वाह, ठीक है भाई, सह लेंगे थोड़ा सा। ये किसका बजट है? नो, मेरा। वाह, बहुत ही बढ़िया, 500 रुपए का बजट हो चुका है मेरा, 50 रुपए का बजट अदित्य का। और मैडम जी आपका बजट क्या है, खुद अपने मुंह से स्वयं बताएंगे। 0 रुपीज, जैसे इसने नेल पॉलिश लगाई है ना। वाह, क्या नेल पॉलिश है, 0 रुपीज ही बनता है इसके लिए। इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। एक बार पकाटा भी कर लेते हैं, देख लेते हैं सबसे पहले अपना 60 मिनट चैलेंज शुरू करेगा कौन। 50 रुपए मेरा, 50 रुपए। अभी ये नहीं मांगने पड़ेंगे उनकार से, पर 50 रुपए मैं बहुत कुछ खा के दिखाऊंगा तुम्हें 60 मिनट। आदि ये ले पकड़ अपने 50 रुपए, तेरा टाइम शुरू होता है अब। भैया 10-10 के हैं। कितने की प्लेट है? पहले खुले करवा रहा हूँ मैं। इंसान है, 5 रुपए में क्या आएगा? ये है क्या पहले ये तो बताओ। हाफ प्लेट कितने की है? 10 रुपए का कुछ आएगा, बड़ा आ जाएगा सिर्फ। मूली गाजर दे दो। कैसा कंजूस बंदा है, यार थोड़ी ज्यादा दे दो, इतनी महंगी नहीं है गाजर। ये लो 10 रुपए आपके ना। मैं तो भैया ने लूट लिया है मुझे, पर मेरे को पहली चीज कंप्लीट करनी थी तो मैंने मूली गाजर का बढ़िया सा हेल्दी सैलेड बनवाया। भैया अपने पास सबसे सस्ता क्या है यहाँ पे? सबसे सस्ता 5 रुपए का है कुछ, कोई कुल्फी दे दो 5 रुपए की। 20 रुपए की पानी की बोतल, यार तुमने मुझे फंसा दिया पता है। मेरे को थोड़ी सी टूटी हुई कुल्फी दे दो काट के। कुल्फी कई बार खराब हो जाती है, वही दे दो। डिफेक्टेड माल है हमारा, खा लेगा डिफेक्टेड ये। फायदा भी तो क्या बोल रहा है, मैं कहीं और देख रहा हूँ आज। तो भाई साहब मैंने स्ट्रेटेजी बदल दी हुई है अपनी, अब ये 40 रुपए है ना, ये 40 रुपए का मैं इतना कुछ खाऊंगा कि तुम देखते रह जाओगे। थप्पड़ खा ले, एक सलाम एक थप्पड़ मेरे पे खा ले। ये दोनों जुल्मी लोगों से मुझे भागना पड़ेगा। लिख देना कमेंट सेक्शन में मुक्ति ओंकार रूड। भैया 4 रुपए का, अच्छा। और अगर मैं सिर्फ गोलगप्पा खाऊं? हाँ 2 रुपए में हो जाएगा, 3 रुपए का। भैया काम करो, हाथ में दे दो, प्लेट बदमाश करो, मेरा पैसे ज्यादा लोगे। भाई 4 रुपए का गोलगप्पा, मेरी तीसरी चीज हो रही है। एक थप्पड़ हो गया, एक सलाद हो गया और एक गोलगप्पा हो गया। ये लो 6 रुपए दे दो मुझे, बहुत जरूरी है आज, पैसे की कीमत बहुत ज्यादा हो गई है। खुलने नहीं है, नींबू क्या रेट है? नींबू का काउंटर अलग है। तो दित्य की 3 चीजें हो चुकी हुई है सच में 6 मिनट में। भाई नींबू पानी कितने का है? 20 रुपए का। 10 रुपए का मिलेगा, टेस्ट कराओगे? टेस्ट भी नहीं होता है, लोग मजबूरी समझते ही नहीं है। भैया पैसे तो दे दो खुलने मेरे को। अमृतसर ऐसा शहर है जहाँ पे पैसा ना भी हो ना, लोगों के दिल बहुत बड़े होते हैं। मुझे टेंशन हो गई है शुरू, मेरा क्या होगा, मुझे अपने घर जाना है। भाई को मैंने 4 रुपए देने हैं, 5 रुपए का नींबू हो गया, इसको काट के दे दो मुझे। 1 रुपया काटने का ले लो, नहीं दे ही देना मुझे 1 रुपए यार, काम आएगा मेरे। 1 रुपया खुला ही नहीं है यार, ये तो 1 रुपया भी नहीं दे रहे यार। आज उसको 1 रुपए की कीमत पता लगी है। नींबू में रस तो घंटे का नहीं है, थप्पड़ मारना नहीं था ना पहले, अब काउंट होगा। अब मेरे पास रह गए पूरे कुल 30 रुपए जो मिल नहीं रहे मुझे, मेरी जेब तो नहीं मार ली किसी ने। भैया कितने के बुड्ढी के बाल? भैया 5 रुपए वाला नहीं बुड्ढी का बाल, दे दो यार इसको आधा काट के दे दो। कोई है नहीं जिसकी हवा निकल गई है, हवा निकल गई, सिल गया हो, खराब हो गया हो, पुराना हो। अरे भाई मांगता है तो लो ना। तो चलो कहीं और चलते हैं और देखते हैं कि 10-5 रुपए में कुछ मिलता है कि नहीं। अंकल जी केले क्या रेट दिए? एक केला 5 रुपए का, बिना छिलके का बोल रहे। एक दे दो, दो के पैसे ही नहीं है मेरे पास। अदित्य के ना पूरे 10 मिनट हो चुके हुए हैं, अभी भी कितने पैसे पड़े हैं? 25 रुपया वाला आपने बात, 25 रुपए। एक आइडिया दूं? हाँ। टॉफी खा ले। टॉफी खा ले? टॉफी कहाँ मिल रही है, कहीं मिल रही नहीं ना, वो ढूंढ ले। सस्ता चाहिए भैया कुछ, 5 रुपए का है कुछ अपने पास खाने का?
भैया वापिस ही हो लिए। भैया कह रहे जहाँ धंधा नहीं वहाँ बंदा नहीं। भाई क्या है अपने पास? कितने की है लस्सी? 25 रुपए। देखो मेरे पास इसको एक चम्मच लस्सी पिला दो। केला तो खाया नहीं मैंने। ले तेरी लस्सी भी आ गई। वो देखो बेशक ये लस्सी का स्पून जो है छोटा है पर आपका दिल बहुत बड़ा है। आगे से मैं बोला करूँ चिल्लू भर लस्सी में डूबे मर जाओ। ये चिल्लू भर लस्सी है। क्या बात, कितने आइटम हो गए? लस्सी मिला के 4, 6 हो गई थप्पड़ मिला के। 13 मिनट हो चुके हुए जनाब खा चुके हैं। फ्री का मैं खा नहीं सकता ना, अजब नहीं होता। थैंक यू। ये जानबूझ के रुक गए पता है यहाँ पे। अपने चैलेंज के टाइम में कोई नहीं फोटो खींचाता, अब सबको फोटो खींचाते हैं। चल मैं भी आ जाता हूँ। आ जा मुक्ति। मैं केला तो पूरा खाऊंगा ना, इसमें एनर्जी आएगी मेरे को। तू डस्टबिन है मेरी, ये ले पकड़। माना मैंने स्वच्छ भारत अभियान में काम किया। चलो कोई बात नहीं। ओ भाई साहब, भाई ये कॉफी का पैकेट कितने का है? 5 का तो मिल जाएगा। चलो दो दो आप, कोई नहीं। भैया कह रहे इट इज बिजनेस। भैया कह रहे जहाँ धंधा नहीं वहाँ बंदा नहीं। एक दूसरी बार डायलॉग बोल रहा हूँ मैं, बट सही है। चलो भाई, पूरी छठवीं चीज है मेरी। छठवीं? हाय हाय, पानी भी नहीं है मेरे पास। पकड़ो खा लो, एंजॉय। नहीं मेरे पास पैसे बहुत है। ये तो बहुत ही कौड़ी है। आगे स्वाद। चाय कितने की है? 20 की। भाई 20 की चाय कब हो गई? ये महंगाई पर गोल्डन टेंपल की स्पेशल चाय है। चीनी दिखाना कैसी है आपकी क्वालिटी? थोड़ी सी। इतना चालू इंसान है ना, ये बहुत बढ़िया। पर आपकी चाय महंगी है, मैं पी नहीं पाऊंगा, सॉरी। गजब टूबी बाज आदमी, बहुत ही चलाकी के साथ आदित्य पूरे कर लिए हुए। 20 रुपए भी है मेरे पास अभी। मुक्ति 13 क्या होएगा? ये 50 रुपए में लोग इसको सस्ता करके दे देते, तेरे तो पैसे ही नहीं है। अगर थप्पड़ को निकाल दिया जाए तो 23 मिनट में आदित्य की हुई है टोटल 7 आइटमें। क्या बात है, मतलब आज मैं अपनी परफॉर्मेंस से ना खुद ही बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया हुआ हूँ। भैया ये आपकी है दुकान? आप भैया यहाँ पे यार ऐसे दुकान छोड़ के नहीं जाना चाहिए यार, मैं आपकी दुकान का ध्यान रख रहा था इतनी देर से। अब मुझे फ्री में आपको आम पापड़ खिलाना पड़ेगा। भैया सच्ची में फ्री में उठा के ले जाएंगे? ये टेस्ट हो जाएगी फ्री में? ऑरेंज बढ़िया लगती है मुझे। ये टेस्ट कर लू ना आपका, वो तो नहीं खराब होगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा? यार खा ले यार। मैं नुकसान नहीं करना चाहता। वाह वाह, मैंने आपकी दुकान की रखवाली करी है 10 मिनट, उसकी टॉफी खाई है मैंने, ठीक है। चलो अब बुड्ढी के पास देता हूँ। वो रहे बुड्ढी वाले भैया, छोटा चाहिए 10 वाला? 5 वाला चाहिए वैसे तो। है 5 वाला? काट के दे दो आधा। 10 का है? ये लो एक दे दो। मुझे रंग ऑरेंज वाला चाहिए। टाइम बहुत है वेस्ट करने के लिए। ये ऐसा बिग बग है जो चूज भी करेगा। सही बात है, उसको कलर भी अपने हिसाब से चाहिए। हम सारी कहावतों को तोड़ देते हैं। ये लो, थैंक यू। देखो बुड्ढी के वाले कैसी चीजें जो बुड्ढों के अलावा सारे खाते हैं। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल इसको कॉटन कैंडी कहते हैं, वो अंग्रेज कहते हैं, हम नहीं कहते। और इसमें कॉटन भी नहीं होती है। बढ़िया यार, इसका स्वाद वैसे ही है पिछले 20 साल से। अब मेरे पास रह गया मात्र 10 रुपए। और टाइम कितना रह गया? बहुत टाइम है, आधा घंटा भी नहीं। 34 मिनट में मैंने 10 रुपए खर्चने हैं, बहुत टाइम मेरे पास। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? बहुत टाइम मेरे पास। देखते भाई उड़ता यार। ओंकार भाई अब अपना रह गया 10 रुपए हाथ में, ठीक है। अब कोशिश करेंगे कि फ्री में जितनी चीजें हो सके खाएं। मुझे कुछ दिख रहा है उधर। ओए एक आइडिया दूं? हाँ। इस दुकान पे पक्का सॉन्ग्स मिलती होगी, अंदर लोग खाना खा रहे हैं बैठ के। मैं फ्री के ना मुफ्त के आइडियाज मुझे चाहिए होंगे, इसको कोई जरूरत नहीं है 10 रुपए लेके घूम रहा है। मेरा साला है कितनी इसके लिए, मैं बनूंगा खतरों का खिलाड़ी। लेके आया सॉन्ग्स लेके आओ। बहुत बढ़िया सॉन्ग है की सॉन्ग थोड़ी देर। थैंक यू सो मच। क्या बात है लड़के, कोई ऐसी वैसी सौंप नहीं लाया हूँ। पास इधर आओ, मेरे पास पास आओ। जीजा मेरा मेहनत करके लाया सौंप यार। आधी आधी खाएंगे। तेरी हो चुकी है टोटल 9, 10 साइड में हो गई है मेरी। 10 रुपए का मेरे। थैंक यू। बड़ा चाहिए बस, सिर्फ बड़ा चाहिए। एक 5 का लगा लो, सिर्फ पीस हाथ में दे दो, कटोरी भी नहीं प्लेट भी नहीं लेंगे आपसे। भैया कह रहा फ्री में खाना खा ले, नहीं तो 10 रुपए लूंगा। फ्री में भी दे रहा है, 5 में नहीं देगा। भैया दिल के अच्छे भी है पर है भी नहीं, बात खुले पैसों की है। 10 की तो गई है, इस पे हरी चटनी डालोगे? चलो दे दो यार, इतना बंद कर रहा है ना, बड़ा खाना ही खाना है। स्टार्टिंग की थी इसके सलाद के साथ, एंडिंग कर रहा है। एंडिंग खत्म हो गए पैसे, क्या एंडिंग करनी है? एंडिंग कर रहा है इसी के साथ। इसे कहते हैं लाइफ सर्कल, जहाँ से शुरू किया वहाँ पे खत्म। क्या बात है, खाके पता लगेगा कैसा है। बहुत बढ़िया, और अब मेरा चैलेंज हो चुका है खत्म। तो मैं अपना बड़ा करता हूँ एंजॉय, और फिर बारी है इन दोनों में से एक बंदे की चैलेंज करने की। आदित्य की जापान बारी के बाद अगली बारी आ चुकी है ओंकार की घटिया बारी की। वाह, मुझे ना आज फील हो रहा है रिची रिच की तरह।
क्योंकि पैसे मिल गया मुझे बहुत ज्यादा और अब हम जीते हैं टेस्ट के लिए। तो टेस्टी टेस्टी सी थोड़ी महंगी महंगी सी चीजें खाते और आपको दिखाते हैं। भगवान करे यही टेस्ट इसे हरा दे, मजा आ जाएगा। चलो तेरे सपनों में हो पाएगा वो। ऑटो ऑटो। इस बंदे के पास 500 रुपए है, बातें वाली है। 100 रुपया सा रखे एकदम से। कश्मकश में डाल दिया आपने। चलो कोई बात नहीं, पैसा बहुत है आज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ऐसे क्या चाले? क्या बात है? ऑटो से ही। जल्दी जल्दी करा लो, फिर हमारा चैलेंज हो रहा है। अभी तुम्हारा टाइमर नहीं शुरू हुआ। अच्छा, जल्दबाजी में इन दोनों नमूनों ने ना टाइमर स्टार्ट ही नहीं किया, तो मतलब मेरा चैलेंज अभी तक शुरू नहीं हुआ है। देखो, हम दयालु हो गए थोड़े से। हमने सोचा तुमसे ऑटो के पैसे नहीं दिलवाते, तुम्हें 500 की कराजी कराजी पट्टी दे देते। वैसे ही मैं अमीर, ऊपर से और अमीर कर दिया। तुम आराम से खाने पे खर्च करो, बट एक चीज का ध्यान रखना, हमें भी थोड़ा थोड़ा खिला देना। देखो ये तो पहली गरीबन है, मेरे पैसे खत्म हो चुके हैं। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। तुम्हारे पास सबसे ज्यादा पैसे है, ठीक है? बाद में सोचेंगे। टाइमर स्टार्ट करो। चलो टाइमर स्टार्ट करो। 1 2 3 अरे 2 मिनट बात तो कर लो, टाइम कम है, जल्दी बहुत है। सबसे पहले इस गर्मी का करेंगे इलाज चाय के साथ। तो भैया एक बढ़िया सी स्पेशल सी चाय बना दो। ओए होए ओए होए, एक भैया। अरे क्या बात है, कप के अंदर कप चाय है कितने की? 20। क्या बात है, जिसको सस्ती चाहिए थी उसको महंगी मिल रही थी। एक ही है भैया चाय। ज्यादा ना इसके मुंह में पानी आ रहा है। अगर ऐसी स्वाद सी चाय मिल जाए ना, एडिक्शन क्यों ना होए। और ये चाय पीने आए हम स्पेशली अमृतसर की वन ऑफ द मोस्ट फेमस शॉप ज्ञानी टी स्टॉल पे। तो 5 मिनट में ओंकार धावन ने अब तक एक चीज खाई है। अमृतसर की ना एक और चीज बहुत ज्यादा फेमस है, वो है बन टिक्की। तो वो बनवाते हैं। अमीर लोग। एक बन टिक्की ला दो। बहुत है, क्या बात है, देखने में लगता है ये बिल्कुल हॉट डॉग की तरह, पर नाम है इसका बन टिक्की। खाओ खाओ, तुम्हारे जीजे का दिल बहुत बड़ा है। तेरे पति का ही है, बड़ा ही होएगा। पूरे 7 मिनट हो चुके हैं, चीजें तुम्हारी हुई है 2। इसकी कीमत है 60 रुपए, जो कि बढ़िया सही है। अभी भी मेरे पास 420 रुपए बचे हुए हैं। जरा पैसे देता हूँ और अगली जगह पे जाने की तैयारी करते हैं। 420 रुपए अभी तक बचे हुए, तो ऐसे चुटकियों में हारेगा, चुटकियों में। टाइम कितना बचा है? 8 मिनट। बहुत टाइम। जो चाय थी ना उसने अपना रंग जो है ना दिखाया नहीं, गर्मी को काटा नहीं है, तो अब सेफ एंड सिक्योर तरीका अपनाएंगे, सॉफ्टी खाएंगे। अमृतसर में ना एक बहुत ज्यादा फेमस चौक है, क्रिस्टल चौक, जो पड़ा हुआ है क्रिस्टल होटल के नाम से, और यहाँ पे मिलती है बहुत ही फेमस सॉफ्टी। एक बनवाते हैं। मतलब ओंकार का सही काम है, किसी चीज का प्राइस पूछने की जरूरत नहीं इस बंदे को। एक सॉफ्टी लगा दो, सॉफ्टी अपनी लगा दो आप, मैंगो फ्लेवर की। देखो मेरी बीवी को ना मैंगो बहुत ज्यादा पसंद है, तो आज मैंने फ्लेवर भी मैंगो का। तुम्हारे साले को भी बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है। बीवी आ रहा बस। अरे यार दिखा रहा है एक बार। ठंड पेगी, सच में ठंड पेगी। ये तुमने जो चाय पी है ना उसकी वजह से तुम्हें सॉफ्टी खानी पड़ रही है। हाँ है ना। और ये सॉफ्टी है 40 रुपए की, अभी मेरे पास 380 रुपए बचे हुए हैं। ये पता कैसा मैंगो का फ्लेवर है? डिस्काउंट दोगे? पहले आता था ना मैंगो का फ्लेवर, थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट याद आ जाएगा। मैं वो 100 रुपए दे रहा हूँ, अपनी मर्जी से काट के दे दो, जितने आपका जी करे। बेशक बंदे के पास पैसे आ जाए, डिस्काउंट मारने की आदत जो है ना बढ़िया ही लगती है। चिंदी बोलते हैं उसे। मैंने डिस्काउंट मांगा, भैया ने डिस्काउंट दिया भी नहीं। मैंने सोचा 5-10 रुपए थोड़ा देंगे। भैया ने काम नहीं करना, अपना दुकान बंद करके बैठे तुम्हारे चक्कर में। ऑटो अमीर लोग कैब बुलाते हैं। ऑटो 500 रुपए, 5 लाख रुपए नहीं है। और भैया सॉफ्टी खाओगे? एक बंदे की सवारी के पैसे कम ले लेना, सॉफ्टी खिला दूंगा। वो बोलेगा एक के ज्यादा देना, इसमें तो खुद ही खा ले। तो जी अगर अमृतसर आए और अमृतसरी कुलचा ना खाए तो हो जाएगी आए हाय आए हाय। बिल्कुल सही है लड़के का। और हो चुके हैं टोटल 20 मिनट, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से अपना कुलचा बनवाएंगे। चलो एक बजी कुलचा ला दो। क्या वादा, मतलब की पूरा मक्खन मार के, क्यों मार के, देसी घी दे नाल अमृतसरी कुलचा आ गया है। वैसे अगर देखा जाए ना इंग्रेडिएंट वाइज 1 2 3 तीन चीजें बड़ी हुई है मेरे सामने इस बारी, और एक लस्सी आ रही है। एक ही में गिरना जाएगा, बड़े आए। कोई बात नहीं, मैं एक में ही गिन रहा हूँ। लस्सी अलग है मेरी पर। हाँ, लस्सी अलग है, लस्सी इज कमिंग। तो जी सबसे पहले ना आपको थोड़ा सा जादू दिखाते हैं, जो ASMR चीज है ना वो करके दिखाते है। ओए होए गरम बहुत है, क्रंची पूरा है। स्वाद
यार इस बंदे से इतनी जलन हो रही है ना, मुझे इतनी जलन हो रही है मैं बता नहीं सकती। कामयाब लस्सी वो होती है जो पीने के बाद मुछे चिट्टी कर दे। जिसकी मुछे ना हो उसकी उसकी मुछे बना दे। टाइम गुजर रहा है पर अफसोस किसी बात का नहीं है। टाइम गुजर रहा है और बहुत बढ़िया गुजर रहा है, सच में बहुत बढ़िया गुजर रहा है। भर पेट के खाना खा लिया हुआ है और पेट में जगह बची भी नहीं है और खर्चा हुआ है यहाँ पे सिर्फ 115 रुपए का। तो भाजी ओंकार के हो गए पूरे 37.5 मिनट खत्म। और तुम्हारी चीजें कितनी हुई है, एक बार गिनाओ जरा। 5 चीजें हुई है, एक एक करके गिनाओ। चाय, बन टिक्की, सॉफ्टी, कुल्चा, लस्सी और अभी अगली चीज जो मैं खाने लगा वो है पान, क्योंकि यहाँ पे रंजीत एवेन्यू में ना बहुत ही तरीके के वैरायटी वाले पान मिलते हैं। मैं डंडी सी जान, खिला दे मुझे पान। ये है जी अपनी आइटम नंबर 6। भैया चॉकलेट जो है ना पूरी खुशी हुई है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। 40 रुपए ला रहे, अभी भी 225 रुपए बचे हुए हैं मेरे पास। फिर टाइम जो है ना वो बचा है मेरा मात्र 14 मिनट। जीतने को मैं ऐसे जीत सकता हूँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ वो चीजें जो है बहुत ही ज्यादा डिलीशियस। और अगर आपके मुंह में पानी आया ना वीडियो को जरा लाइक कर दो। अगली चीज जो मैंने खानी है वो है जी मटन चॉप। बात भैया सुनो, मैं टाइम नहीं है मेरे पास, ये तो हम खा ही नहीं सकते। ये बंदा जानबूझ के यहाँ पे आया है कि हम ना खा पाए। अभी तक हम मुंह मार रहे थे ना यार, इसको देख के पानी आ रहा है मुँह में। मेरे को भी कुछ खिला दो यार, मेरा 50 रुपए पेट नहीं भरा। मुक्ति तो खा सकती है, अब तो मुक्ति नॉन वेज बन चुकी है। ओहो पहली बारी मुक्ति फूडी वी की वीडियो में आ रही है नॉन वेज। ओहो और जब तक ये अपनी आखिरी चीज खत्म कर रहा है ना, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि फूडी वी की अमृतसर वाली सीरीज की और वीडियोस देखना मत भूलना, क्योंकि वो भी बहुत ही गजब होने वाली है। उसमें अमृतसर का बहुत ही बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी हमने आपको खाना दिखाना है। तो जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर दो लाइक। खत्म करके अगली चीज दिखाता हूँ क्या खाऊंगा। इतनी गर्मी 132 इतनी गर्मी में भाग दौड़ करने के बाद ना कोका कोला पीने का मन कर रहा था मेरा। और ये है मेरी आखिरी चीज, देख लो भाई कोका कोला वाले देख रहे हैं, कार्तिक आर्यन की जगह इसको लो, ये ज्यादा अच्छा ब्रांड एंबेसडर है। टाइम टाइम कितना हो गया? टाइम तो इसका पूरा हो गया है, मतलब इसके चैलेंज का। तो मुक्ति को जीतने के लिए चाहिए 11 चीजें और सेकंड आने के लिए चाहिए 9 चीजें। और अब जी बारी आ चुकी है अपने मेन खिलाड़ी की। तुझे ना बजट नहीं मिलेगा, तुझे मिलेगा मेरा आशीर्वाद। दुआएं दो मुझे, लाओ दुआएं दे दो। वो तो लोगों से मांग। तेरा टाइम कर रहा हूँ मैं स्टार्ट। हाय मेरी हार्ट बीट तेज होगी। अब तू ये बता मुझे, तू मांगेगी, तू पैसे मांगेगी कि खाना मांगेगी? मुझे तो रोना आ रहा है। एक बार बाहर निकलते फिर देखते हैं कुछ मिलता है। सब बाहर निकलते मुफ्त में पानी मिल रहा है, क्या बात है। पीना है तो जीना है, जल है तो कल है, जल है तो कल है। चीयर्स। जल्दी कर, तेरा एक घंटा है तेरे पास। टाइमर कहाँ है? टाइमर 1.5 मिनट हो चुका हुआ है। डेढ़ मिनट हो गया यार, इतनी गर्मी में ना गोला खाने का मन सा कर रहा है। भैया गोला कितने का है? कुछ भी कैसे नहीं है, कितने का है, है? भैया फ्री में खिला दोगे? कुछ तरीका है भीख मांगने का? पैसे ना हो तो फ्री खा लो, पैसे हो तो दे दे। सच्ची में सच्ची में नहीं भैया पैसे है? यार भैया बड़े दिल के अच्छे यार। संस्कार मुझसे बड़े हैं इसके। ये मुझे लगता है इसमें दिल की बात नहीं है, जब मेरी बारी थी किसी ने मुझे नहीं दिया। ये सारा लड़का लड़की बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। ये पंजाब है, पंजाब में कोई दिक्कत नहीं। हाय भैया, मतलब बस ऐसे स्वाद बस भैया, ज्यादा बड़ा नहीं बस। दूसरी चीज, दूसरी आइटम। ये लड़की तेजी से काम कर रही है, ये मुझे लग रहा है इसको ना लड़की होने का अंडी एडवांटेज चल रहा है। हम नहीं चाहते कि किसी की भी मेहनत का नुकसान हो। भैया बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो भैया के हमने पैसे दे दिए हुए हैं पर भैया की दाद देनी पड़ेगी। भैया ने आते ही बोला, कहते कोई बात नहीं। एक चीज भैया की अच्छी थी, उन्होंने बिना किसी लालच से मुक्ति को फ्री में खिलाया। हाँ ठीक है, लेक्चर बहुत हो गया मुझे बोला। मतलब इसमें भी लग रहा है क्या मांगने क्या नहीं मांगना, जो मांगना ही है तो कुछ भी मांग ले। बात तो सही है। भैया मुफ्त में खिला दोगे? खा लो जी, खा लो, खा ला दो। सच्ची क्या बात है, मतलब भैया ने दिल जीत लिया। डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, फर्क लड़का लड़की में, मुझे किसी ने फ्री में नहीं खिलाया। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट कर दो जस्टिस फॉर बॉयज। ओ भैया ने कुल्फी भी ना बड़े वाले दिए, ये नहीं कि फ्री में देने तो सस्ते नहीं। एक ही भैया, एक ही। तीन आइटम यार, ये तो बहुत ओंकार भाई, थोड़ा सा इसको ना पीछे धकेलना पड़ेगा। मैं ये तो जीती जा रही है। थैंक यू भैया, हम जा रहे हैं। अरे
11 मिनट हो चुके हो, ऑलमोस्ट 12 मिनट हो चुके हो। भैया पानी टेस्ट कराना कैसा? 10 रुपए का ग्लास, बस ऐसे टेस्ट करा दो। ए चलाकी है भाजी, कोई गोलगप्पा नहीं खाना इन्हें, ये पानी लेके चुपारे लेके भजना ले चले। भैया पी लूं? नहीं भैया ने बोल दिया पी लूं, मैं ऐसे नहीं पीऊंगी। क्या बात है, कैसा है? स्पाइसी लगता, फ्री की चीज अच्छी लगती है इसको। चार चीजें 12:30 मिनट में। थैंक यू भैया। हम तो ये सोच रहे हैं जाए कौन सी गली में, किस गली में रश थोड़ा कम है। मेरी शक्तियों के हिसाब से उधर कोई लंगर वंगर लगा हुआ है। चलो लंगर वंगर हम बाद में देखेंगे, यहाँ पे कुछ टेक्निक अपना के देखते हैं। ये टेस्ट करा दो कुछ, नहीं है ओंकार पूरी कोशिश कर रहा है अपनी की बस सामने वाला बंदा मना कर दे। मैं कह रहा हूँ भाई लेना इसमें कुछ नहीं है। पता हम कहाँ खड़े हैं? अमृतसर में खड़े हैं। ऐसी बात है, उन्होंने पैकेट दे देना फिर। आइटम नंबर 5। स्पीड दे पकड़ी हुई है लड़की ने। पहले मुझे लगा था कि कोई लंगर लगा हुआ है, छबील होगी, परंतु यहाँ पे भी पानी मिल रहा है। मेरे ख्याल से छबील में चने चुने भी है। चने भी है कहाँ पे? वो तो इसको बताएगा। तो भाई साहब सूत्रों के हिसाब से पता चला यहाँ छोले भी मिल रहे हैं और साथ में वो भी छबील भी मिल रही है। टाइम अभी इसके 23 मिनट हुए सिर्फ। मुक्ति का हाफ टाइम हो गया है डन, और मैडम ने 7 चीजें कर ली हुई है और ओंकार ने 1 घंटे में 8 चीजें करी थी। हमारी चोरियां चोरों से कम है के। तो मुक्ति मेरे को पता क्या लग रहा है? हाँ। कि कैमरा देख के ना सारे दुकानदार तेरे को दे ही जा रहे हैं फ्री में। कैमरा बंद कर दोगे? नहीं नहीं बंद नहीं करेंगे, थोड़ा दूर से शूट करते हैं। ठीक है तू दुकान वाले के पास जा और फ्री में मांगने की कोशिश कर, फिर देखते हैं तेरी भोली शक्ल को देख के फ्री में दे रहे हैं कैमरे को देख के। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक टू मी। भैया टेस्ट कर सकते हैं? करवा ली बेस्टी। मुझे ना कुछ अलग सोचना पड़ेगा, जल्दी सोचना पड़ेगा क्योंकि 36 मिनट हो चुके हुए। ऐसे तो बेटा तू हार गई मुझसे भी। चीजें खरीदने के लिए ना पैसा होना जरूरी है। हाँ। और मुझे पैसे चाहिए, पैसे दे दो। चल चल आगे यार, पैसे मांगते ना सच्ची बड़ी शर्म आ रही है। बहुत हिम्मत का काम है मांगने में, पता तेरे को? जो पहला बंदा टकरे उससे पैसे मांगे। पैसे दे दे। अरे यार यहाँ आकर मैं अटक गई, टाइम निकले जा रहा था और अभी भी आदित्य और ओंकार को हराना बाकी था। तो कुछ ही देर में मुझे ये लड़का मिला जो मैग्नेट्स बेच रहा था। उसने अपने मैग्नेट्स मुझे फ्री में दे दिए और उन्हें बेचना भी सिखाया। फिर मैंने इन्हें बेचने की कोशिश जरूर की पर बेच ना पाई, और अचानक एक महापुरुष ने मुझे 50 रुपए दिए और बिना मैग्नेट खरीदे वहाँ से भाग गया। ले कुल्फी ले। कितने चढ़े? 10 चढ़े। 10 रुपए दी, 10 वाली खत्म हो गई ना। 10 वाली खत्म हो गई। कितने वाली है? 20 वाली। 20 वाली 5 कर दो फिर। ले ले ले। चलो भाई। कितने हो गए? 7 बजे भी गया। तू पैसे खत्म हो गए, रुक जा। अभी ना हमने प्रॉपर पंजाबियों वाली हरकत की है। 50 रुपए की कमाई हुई थी, 200 रुपए की पार्टी कर दी हुई है। क्या बात है, की तरफ से सबको सॉफ्टी हो गई है। और अभी 50 रुपए से क्या खाएगी? ये कमाई नहीं है, मैंने वो बंदा देख के भाग गया। 50 रुपए में मैं काफी चीजें खा सकती हूँ। दुकान पर रेट तो पूछ लो, चीजें होगा पहले। आ जाओ, माउंटेन ड्यू दे दो 20। कोई भी दे दो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 मिनट बचे हुए हैं। क्या बात है मुक्ति, 30 रुपए भी बचे हैं। पहले आइटम नंबर 8 पहले। तो कार के साथ हो गया मुक्ति का ड्रॉ, बट अब मेरे से तो ये जीतने से रही 10 मिनट में। जीत के भागना शुरू करते खाते वो। चलो भैया 10 के कितने गोलगप्पे मिलेंगे? 2 खिला दो। तो भाई साहब मैं खा रही हूँ 5 रुपए का एक गोलगप्पा। मेरे को 4 का पड़ा था वहाँ पे, मैं तेरे से सस्ते गोलगप्पे खा के आया। कोई बात नहीं, महंगे लगा रहे भैया आप। ओंकार मैं जीत गई तुमसे। कितनी आइटम्स होगी टोटल? तेरी होगी 9, 2 आइटम और। तेरे को 2 करनी है मेरे से जीतने के लिए। 10 मिनट में 2 आइटम। हाँ। ये आइटम नंबर 10। बच्चों को भी याद हो गया। टाइम कितना लगेगा? टाइमर देख लेगा। मुक्ति के ना सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं और ये है इसकी आइटम नंबर 10। और आदित्य ने टोटल कितने आइटम खाई थी? 10। आदित्य के साथ ड्रॉ। कोई नहीं, मेरी भी 11 होगी। 4 मिनट बचे हैं, जीत के दिखाऊंगी। आ जाओ यार, ये तो ऑडिंग है। ये चीज मुझे अच्छी लग रही है कि एटलीस्ट मेरी बीवी तो जीत रही है। 10 का आता है पैकेट चिप्स का? 20 का है। टाइम बताना, तेरे 3 मिनट पड़े। ना 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 ना, दहली जीती है, सबका बदला लेगा। 11
मेरी हो गई, मेरी 11 हो गई थी पिछले में। ये उम्मीद नहीं थी मुझे मुक्ति से कि मेरे से भी जीत जाएगी। खा लो, तू खा ले, बांट के खा लो थोड़े थोड़े, सब बांट, सब में बांट के। तो थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन की वजह से हमें ये पता लग रहा है कि विनर जो है वो कोई भी नहीं है। ये हुआ आदित्य और मुक्ति का ड्रॉप। आदित्य ने भी 11 चीजें खाई थी, मुक्ति ने भी 11 चीजें खाई है। तो मुक्ति नजायज ही खुश हो रही थी कि वो जीत चुकी है, बट ये भूल गई थी, तीन अभी मेरे मिनट पड़े थे, दो तीन मिनट, ये भूल गई कि आदित्य को हराना मुश्किल ही नहीं, बहुत ही नामुमकिन है। और वैसे भी इस चैलेंज का मेन मकसद हार या जीत नहीं थी, वो थी खिलानी खुशियां, एंटरटेनमेंट, जो कि मुझे लगता है इस वीडियो में हमने काफी अच्छे से की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना, कमेंट करके बताना है कि आपके हिसाब से विनर कौन है। और बहुत ही ज्यादा जल्दी हम एक वीडियो करने लगे हैं सब्सक्राइबर्स के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपको मिलेगा मौका हमारे साथ एक चैलेंज वीडियो करने का, और उसमें प्राइज मनी भी होएगा। ओ भाई साहब क्या बात है। एंड गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूले, पूरी बी के नाम से। तो गाइस बाय बाय।